भाई इसमें 2 किलो टमाटर और 1 किलो आलू डाल दो। अरे फरिया, परसों जो हम शबे बारात मना रहे हैं उसके लिए तुम कुछ कर रही हो क्या? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। हम तो सोच रहे थे इस बार सारे इंतजाम तुम देखोगी। मैं क्यों? अरे हमारे लिए इतना सोचती हो, हमारे घरों के लिए इतना सोचती हो, तो जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है उसकी बहुत इज्जत अफजाई होती है यहाँ। छन्नू आंटी को बुरा नहीं लगेगा? छन्नू आंटी हर साल तो करती आ रही है, इस बार भी सेम। भाई इस बार कुछ नया, कोई नई जनरेशन, कुछ नया होना चाहिए। क्या बात कर दिया आपने, मुझे तो ये सब प्लान करने में इतना मजा आता है। ऐसी जबरदस्त प्लानिंग करती हूँ ना मैं इवेंट्स की, क्या बताऊँ आपको। हो हाय, तुसी सब बैठे हो? मैं ते, अरे वो छन्नू आंटी। रहन दे, मंजूर भाई सारे इंतजाम कर लेंगे। हाँ, शामियाना, कुर्सियां, टेबला, जैसे हर साल कर ले। लेकिन इस साल पटाखे नहीं बजेंगे। इस साल भी? बिल्कुल नहीं भाई, इसी से तो रौनक होती है। बच्चों ने तो कब से फुलझड़ियां और पटाखे खरीद के रखे, समझा दो ना बच्चों को। अरे इबादत की रा, बच्चों की तो रौनक इसी से होती है। बस कह दिया पटाखे नहीं बजेंगे। हम एक काम करते हैं ना, हम बच्चों के लिए एक साइड पे जगह बना देंगे पटाखों की। इस तरह उनका भी मजा खराब नहीं होगा और बड़ों का काम भी नहीं खराब होगा। क्या कहती हैं? हाँ ये आइडिया अच्छा है। फॉक अच्छे, बच्चे काबू में आते हैं। हम पीके को चौकीदारी पे लगा देंगे ना बच्चों की। और मुझे तो लगता है वैसे बिल्डिंग के बच्चे जरा समझदार ही हैं। आप इतने सालों से इवेंट कर रही हैं, आप किसी और को भी तो करने का मौका दें। किन्नु, हाँ ना, कुछ नया ट्राई होना चाहिए अब की दफा, कुछ नया। वाह, हर साल सब कुछ मैं ही तो करनी है, ईद, रमजान, शबरात, सब कुछ सारे इंतजाम में करनी है। हाँ कोई कमी आई? अरे छन्नू आंटी, आपको कौन इवेंट से निकाल रहा है? आपने ही सारे इंतजाम देखने हैं और खाने का इंतजाम आपने ही करना है इस बार भी। और ये बस सजावट और एंटरटेनमेंट जैसे काम देख लेगी? वैसे भी ये सब चीजें तो मिलजुल कर ही करने में मजा आता है ना। क्या कहती है छन्नू आंटी? पहले कौन सा पुष्प पाठ रहे चित्र साहब? माना पेंटिंग पोस्टर की तरह परफेक्ट नहीं थी हमारी असेंबली, तो खुशियां तो थी। तू मेरा ब्रो है पर तेरा एक मसला है, तू हमेशा तकलीफों पे फोकस करता है और कुछ नहीं दिखता तुझे। वो याद है जब आज ही रात गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मैं तेरे पास आया था भागते हुए कि ब्रो तो अच्छा सा मैसेज तो लिख के दे, तो मैं किरण पूरी रात सिनेमे देखना, बातें करना, हिंदी में कॉफी बनाना और अम्मा अब्बा के मुंह में पान बना के डालना, अब्बा का सुन लो तो 24 घंटे टीवी देखना, उनके वॉलेट में थे तो 100-100 के नोट गायब करना, चाचा का डांटना कि करण का बचाना, ये सब याद आता है यार। किरण की तो एक मुस्कुराहट से सबको जिंदगी मिल जाती थी, अब वो भी मुस्कुराना ही भूल गई है। क्या हुआ किरण को, कोई परेशानी है उसकी जिंदगी में? आज तक बताया उसने कल उसको क्या परेशानी हुई है, छुपाती है, चेहरे की रौनक उड़ी हुई है, पता लग जाता है। और तू एक दिन नहीं गुजरता था तेरा उसके बगैर। क्या कहता था? मेरी प्यारी बहन कुछ भी कर जाऊंगा इसके लिए, अब देख बात भी नहीं करता उससे। अब की है, 1000 बार कॉल की है, उसके मियाँ को ना खटकता हूँ मैं, रिश्ता तोड़ दिया उसने मुझसे। रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, बहन है वो तेरी। अबे नहीं चाहिए ये भाई किसी को, ये बेटा किसी को नहीं चाहिए, सबके लिए हमेशा मुश्किल का भाई बना हूं मैं। किरण के लिए अच्छा भाई बनने की कोशिश की तो उसका शौहर नाराज हो गया,
अम्मी के लिए अच्छा बेटा बनने की कोशिश की तो अब्बा नाराज हो गए, अब्बा के लिए जाके पकवान पे बैठा तो अब्बा की इज्जत में कमी आ गई। अबे और क्या चाहता है मेरे से, नस काट तू अपनी। क्या लगता है, मुझे याद नहीं आता, ठीक नहीं होती मुझे। इन सब भी मैंने किसकी खुशी का बायस बनने की कोशिश की है ना, हमेशा कम नहीं पड़ा हूं मैं। मेरे लिए तो कम नहीं पड़ा कभी, बल्कि ज्यादा ही रहा है। तुम्हारा ब्रो है, चाय पीने चलते हैं। झड़ने जाना, पर यह इंतजार नहीं कर रही। नेक्स्ट चले जाएंगे, मैसेज कर दूंगा प्रिया को। अरे भाई सर बहुत भारा होगा, वैसे हल्का करने की जरूरत है यार। चल आ जा। पर आज इतनी देर कर दी, मैं कब से वेट कर रही थी। सॉरी मैंने धक्का दिया, यहाँ क्यों बैठी हुई हो, अब वेट क्यों कर रही थी, आया था लेट आऊंगा। मैं ये एक्सपेक्ट थोड़ी कर रही थी कि इतना लेट आओगे। कहाँ गए थे? मैं जोजो और मूसा के साथ चाय पे गया था। मुझे लगा तुम ऑफिस के लोगों के साथ बाहर जा रहे हो। उनके साथ क्यों जाऊंगा मैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि किसके साथ बाहर जा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है किसके साथ जा रहा हूँ, बताया था ना लेट आऊंगा। फरहाद मैं सारा सारा दिन यहाँ अकेली होती हूँ, कम से कम रात में तो टाइम से घर आ जाया करो प्लीज। यार एक दिन गया हूँ मैं, कौन सा रोज रोज जाता हूँ, क्या फर्क पड़ गया? तुमने मुझसे कभी पूछा है कि मैं यहाँ क्या कर रही होती हूँ, कैसा फील कर रही होती हूँ? तो यार मैंने तुम्हें कभी रोका है किसी चीज से? तुम भी जाकर अपने दोस्तों को मिल लिया करो। मेरे कजन्स मेरे दोस्त है फरहाद, मैं उनसे नहीं मिल सकती ना। नए दोस्त बना लो यार। और तुम जॉब करने का कह रही थी, तुम जॉब कर लो, दीवाने बिजी हो जाओगी। ताकि तुम आराम से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमते रहो। एकदम से तुम्हें मेरे दोस्तों से क्या प्रॉब्लम होने लगी? तुम्हारे दोस्तों से नहीं है मसला, मुझे तुम्हारे एटीट्यूड से मसला है फरहाद। अब मैंने क्या किया है? कुछ नहीं। फिया, फिया, अरे यार फिया नाराज तो ना होना यार। मैं नाराज नहीं हूं। पक्का? जाओ सो जाओ। पक्का नाराज नहीं हूं। फरहाद तुम लिटरली सोने के लिए जा रहे हो? यार मैंने सुबह ऑफिस जाना है, थक गया हूं मैं, कल सुबह बात कर लें इस बारे में। बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब ही तो करती हूँ और करती क्या हूं मैं। क्या सो जाइए। अपने गंदे मुंह से डाइनिंग टेबल पे नहीं रखा करो फरहाद। अब तक आपको बुजुर्ग समझ के आपकी सारी बातों को मैं नजरअंदाज करती रही, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि इस बिल्डिंग में रहने वाले बाकी सारे लोगों का आपने ख्याल नहीं किया, आपने ये नहीं सोचा कि आज की रात उनके लिए कितनी मायने रखती है। जानती हैं आप सालों से एक रिवायत चलती आ रही है, लेकिन आज आपने अपनी अना की वजह से वो खत्म कर दी है। मुबारक हो आपको, आप जीत गई हैं, मनाएं अपनी जीत। और आप फिक्र नहीं कीजिएगा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मंजर भाई को आपने फोन करके कैंसिल करवाया।
मैंने ले ली अपने ऊपर सारी से बताई, आप खुश हो जाए। ये लड़की सच बोल रही थी? आगा जी एक चन्नो, आगा जी एक कुड़ी तो जब से आई ना तो नकेच दम कर देता है। कितनी मुश्किल ना जगह बनाई सी मैंने बिल्डिंग विच, सब चन्ना चांदी है। अब बैठ के बस मैं देखती रहा, नहीं हो सकता ऐसा। इज्जत और मोहब्बत लोगों के दिलों में जबरदस्ती नहीं डाली जा सकती, और ये तुम कर रही हो ना, इससे अपनी इज्जत भी गवा दो। तुसी किसे चले हो? उस लड़की की हेल्प करने जा रहा हूँ। आज की रात तुम दोनों के झगड़े से कहीं बड़ी रात, माफी की रात। सरा सोच रहा इस बार। हेलो फरहाद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बहुत ज़रूरी। मेरा सारा अरेंजमेंट ख़राब कर दिया है उस खड़ूस आंटी ने। तुम तो शामियाने वालों को या सेटअप वालों को जानते होगे ना, प्लीज़ अर्जेंटली मेरी हेल्प कर दो यार। फिया मैं भी खुद ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, बाद में बात करते हैं। फरहाद सुबह तो तुम कह रहे थे हम किलर टीम है। फिया फिलहाल तो मैं अकेला होने वाला हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप भाई सेटअप को बड़ा वीआईपी लगा लिया। जी नो थैंक्स टू यू। सॉरी यार, वो ऑफिस में मैनेजर मेरे पीछे पड़ गया था। जाओ जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा वो मैंने कर दिया लाइट का सेटअप। ओके सीन अब। थैंक यू यार। तू यहाँ क्या कर रहे? इसी ने हेल्प की है ये सब कुछ करवाने में मेरी। यस, अब हम ना अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू कर देते, क्या कहते हैं? पार्टनर्स। बड़े याद रखियो, असली पार्टी मैं ही हूँ। आया आया, चल मैं देख लूँ। जब ये सुनो, प्यारी लग रही हो, जाओ बन जाओ जिसकी पार्टनर तो बनना है। लिया अपना हिस्सा, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। लाइफ पार्टनर तो मेरी हो ना? हाँ। जल्दी जल्दी जा, संभालो थोड़ा जल्दी से। क्या बस पीके खाना आ गया बेटा, आ जा मदद करवा जरा, खाना उतरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना मैं कह रहा था उतार के इधर रख लेते। क्या हुआ? खाना इधर रखना है। हमशाद तहार जी। याकूब भाई क्या हुआ? आपने बुलाया? हाँ। जे बड़े बदतमीज हैं आपके मामले के, समझे फुलझड़िया लेके पीछे पीछे भाव मेरे मोहल्ले को था ना रखती था एक दिन। हाँ इनके अब्बे को कंप्लेन करता हूँ। मेरे अब्बा अरे याकूब भाई ये अपना चोचो और फरहाद नहीं है? आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। साहबजाद हैं इनके फरहाद और वो जोजो भतीजा। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। फरहाद बेटा इधर आओ भाई, अपने अब्बा से सही से मुझे मिलवाओ तो सही, कितनी खुशी की बात है। आओ बेटा आओ। अच्छा फरहाद बेटा है आपका, वाह जी वाह। ना काम कर जल्दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम।
फरहाद तुमने बताया नहीं कि करीम बख्श पकवान तुम्हारे वालिद का है, वो तो साल हर साल से नहीं से खाना बनवा रहे। जी अंकल, वो कभी जिक्र नहीं ना हुआ। हम और हमारा काम काबिल जिक्र है ही कहाँ जी, इस काम से तो ये छोटे हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और रब की जात की इनायत होती है उस शख्स पे जिसको हक हलाल की रोजी कमाने को मिले। ये बात इस कसल को समझ आए तब ना। समझदार है आपका बेटा, बहुत दोनों बहुत समझदार है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब फरहाद चलो अब्बा की हेल्प करो भाई, खाना उतरवाओ और जल्दी जल्दी खाना लगवाओ, टाइम हो रहा है। भाई साहब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, मैं जाके देखो तुम्हारी छन्नो आंटी को हैंडल करूं जरा। चलो ओए खड़ा रहना, आप जा, जरूरत नहीं तेरी हमें, अभी मेरे बाजू में जाने कर लूंगा मैं खुद। चलो अंकल, मैं जानती हूँ आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हो सके तो एक मौका दिए अपने बेटे को। वो कहता नहीं है लेकिन आप सबको बहुत याद करता है, शायद आप भी गए, मैं देख सकती हूँ आपकी आंखों में कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। काश आप दोनों इन जज्बात को अल्फाज में बयान कर सके, शायद कोई तकलीफें थोड़ी मुश्किलें कम हो सके। जल्दी कर संचार। मैं मदद करा लेती हूँ, आप उन्हें कहा था अपनी शक्ल में खिसाना, कोशिश करूँगा, नहीं तो वही तो नहीं है। आए थे आपको भाई, जल्दी काम हो जाएगा, उससे तो काम होता नहीं ना।